हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। और ये गोल्ड सिल्वर पे बेस्ड वीडियो है। सेम लेवल्स पे ही हम काम कर रहे हैं और सेम लेवल्स पे हम M6 गोल्ड एंड सिल्वर को भी देखेंगे। कल के वीडियो में क्रूड ऑयल का हमने 3-4 दिन का बैक टेस्ट या 3-4 दिन का एनालिसिस हमने किया। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस थे और तीनों दिन में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग हुआ। तो आज हम अभी गोल्ड पे और सिल्वर पे हम एक बार दोबारा से एक बार चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसमें काम कर सकते हो। तो आप देख रहे हो काफी बड़ा मूवमेंट हुआ था गोल्ड सिल्वर में कल के दिन में। तो कोई खास बात नहीं है कि इतना बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। 600 से लेकर 1600 3 गुना 4 गुना जा रहा है और ये 692 से लेकर 311 50% के आसपास, ये भी 50% से भी ज्यादा ये भी ड्रॉप डाउन हुआ। अगर कोई सेलर है तो वो सेल कर सकता है। और गोल्ड का स्ट्राइक प्राइस था 58,000। 58,000 का स्ट्राइक प्राइस को हमने लिया था। इस प्राइस के बीच में अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है तो आप एक चीज और भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट का दोनों लेवल्स का देखिए, दोनों सेम लेवल 692 और एक इसके नीचे का लेवल है 461। तो इनके बीच के लेवल का एक लाइन आप और लगा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सेंटर पॉइंट इट शुड बी 808, राइट? सो 808 के आसपास आप देख सकते हैं 808 कहाँ पे है। तो 808 और इन दोनों के बीच में भी जो भी लेवल होगा उसको भी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो सपोज टू बी हम करते हैं कि ये होगा करीब करीब 590 के आसपास और 580 के आसपास। तो सेंटर पॉइंट जो भी वैल्यू आएगी वही सेंटर पॉइंट वैल्यू पे हम ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ने सुबह मॉर्निंग में इसके नीचे क्लोज दे दिया था, पहले 15 मिनट की कैंडल लगाई हुई है क्योंकि चार्ट काफी बड़ा होता है कॉमोडिटीज का। सो ट्रेड आपको 5 ही मिनट में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे 15 मिनट का ये क्लोज आ गया और यहाँ पे आपको ये क्लोज मिला। इसके बाद आपका स्क्वायर रूट का स्टॉप लॉस कहीं भी हिट नहीं हुआ और ये कंटिन्यू बहुत बड़ा एक मूवमेंट देखने को मिला। द प्राइस था, प्राइस अगर प्राइस की बात करें करीब करीब हमारे पास था 700 कुछ का प्राइस। और मैं लगा देता हूँ इस पे, आप चाहें तो आप देख सकते हैं द 50% लेवल। से लगा सकते हैं तो ये 50% का लेवल हमने इस पे ड्रा कर दिया गया है और 50% का ही लेवल हम इस पे भी एक बार फ्लोट करके देखते हैं क्या आता है। दोनों का मिड पॉइंट हमने लगाया क्योंकि प्राइस रेंज काफी बड़ी है। तो हो सकता है कुछ लोगों का डाउट हो कि कैसे हम काम करेंगे। तो सपोज टू बी हियर और ये इसके नीचे ब्रेक हुआ और ये कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। तो पहले ट्रेड यहाँ पे आया, बाइंग हुआ, स्क्वायर रूट का स्टॉप लॉस कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मैं बड़ा कर देता हूँ और प्राइस जैसे इसके नीचे डाउन आता है तो उस कंडीशन में क्लोज नीचे दिया, अगेन क्लोज इसके नीचे दिया, अगेन क्लोज इसके नीचे दिया, यहाँ क्लोज अपसाइड में दिया। तो एक ट्रेड आपका यहाँ पे बन सकता है, दूसरा ट्रेड आपका आफ्टरनून में यहाँ पे बन सकता है करीब 4:30 बजे के आसपास इवनिंग में, राइट? आप देखे कुछ कितना बड़ा मूवमेंट एक गया 9:30 का, कुछ बेसिकली ATM प्राइस है और उसमें गोल्ड में ये हमने किया। तो चलिए अब गोल्ड आप देखेंगे तो एक हाई परसेंटेज वैल्यू इंक्रीमेंट है। और सिल्वर में अगर हम बात करें, यहाँ पे सिल्वर ले लेते हैं, सिल्वर नॉट दिस वन, हमें सिल्वर चाहिए 70,000 का। कल का प्राइस 70,000 का था हमारे पास और ये 70,000 के पीछे। तो सिल्वर में आप देखिए, सिल्वर में क्या हुआ एग्जैक्टली प्रिडिक्टिव एज द सेम लेवल हियर, यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे अपसाइड, बट नो वरी। 1875 1875 के नीचे जा रहा है या यहाँ पे क्लोजिंग पे बाय करते हैं तो 1875 से आपने 1875 से बाय किया तो 1819 गया स्क्वायर रूट का स्टॉप लॉस। हम देख लेते हैं 1875 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 44 रुपीज। 1875 माइनस 44 1831। सो हम देखते हैं कि 1831 क्या प्राइस रेंज आया। यहाँ पे 1875 पे अगर बाय किया होता तो 1831 बिल्कुल आ गया, इमिडिएटली स्टॉप लॉस हिट हुआ सेकंड अटेम्प्ट में। जब ये दोबारा से चलने लगा तो 1875 के बाद उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे गया है, ये हाई है 970 1972 1875 1972 अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट। बट आज स्टॉप लॉस इज 50%। सो नॉट 50%, 50 पॉइंट्स एक्जेक्टली 44 पॉइंट इट शुड बी
स्क्वेयर रूट का वैल्यू हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो पहली बार ये 100 पॉइंट गया, सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से इसने स्टॉप लॉस को हिटिंग किया। बट व्हाट हैपेंड हियर, आप देखिए 1500 समथिंग व्हिच इज हियर 1563 1875 1875 2100 समथिंग और ये 2500, ये 2187 जो है मिड लेवल है। तो आप यहाँ पे 1563 पे बाय हुआ कंटिन्यूसली ग्राउंड अप। तो ये था गोल्ड और सिल्वर का भी। बाकी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे ही कोई लर्निंग ग्रुप स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में हम आपको गोल्ड सिल्वर क्रूड का कंटिन्यूसली एक वीडियो बनाएंगे और कंटिन्यू ही हम उसमें बैक टेस्टिंग ये करते रहेंगे। और ये एनालिसिस बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक मैथ है जो मार्केट पे वर्कआउट करता है, प्राइस रेंज पे वर्कआउट करता है और ऑप्शन स्पेशल में काम करता है। तो कुछ हमने यूएसडी आईएनआर का भी लगाया था, यूएसडी आईएनआर का अगर आप बात करें तो यूएसडी आईएनआर में भी हमने ट्राई किया है, बट अभी मैं उस पर कोई बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग यूएसडी आईएनआर करेंसीज एनएससी करेंसीज हम लोग नहीं करते, बट फिर भी लेट मी एक्सप्लेन इट। ये हमारे पास प्राइस रेंज था, प्राइस रेंज जो था वो परसों का एटीएम था, तो हमारे पास परसों का एटीएम वैल्यू या ग्रीन लाइन को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो परसों का एटीएम की अगर हम बात करें तो परसों का एटीएम 5 मिनट पे चलते हैं। अब करेंसीज में हमें ज्यादा नॉलेज कहिए या हम इसको रेगुलर ट्रेड नहीं करते तो इसलिए मैं कोई ज्यादा डीप डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, कोई इंक्वायरी हमारे पास आई थी और उस इंक्वायरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बात की, सपोज टू बी द मार्केट केम्स हियर एंड योर प्राइस शुड बी हियर। ओके, देख लीजिए ये इस दिन का चार्ट हमने लगाया, जब मार्केट ने 1600 के नीचे क्लोज दिया तो यहाँ पे आप 0.92 के ऊपर क्लोज दे रहे थे, तो ये वैल्यू यहाँ पे आपका एक बाइंग बनता है और बाइंग से उसके बाद कंटिन्यूसली अपसाइड रहा और ये कंटिन्यूसली डाउन रहा। अगर यहाँ की बात करें 1375 पे बाइंग था और ये 1575 गया, अब 132 अगर मैं बात करूँ हाउ मच परसेंटेज, सो आप ट्राई कर सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं 17-18% के आसपास का, 20% के आसपास का एक मूवमेंट आया, नो वरी। बट अगर कल की बात करें, 20 अक्टूबर का एक्सपायरी है तो पहला दिन है, पहले दिन में कुछ खास होता नहीं है, किसी भी ऑप्शन में जब भी एक्सपायरी से नेक्स्ट डे होता है तो उसमें बहुत छोटे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे प्राइस टिगर जो हुआ 1075 का 1075 और 725, तो 725 के नीचे क्लोजिंग टाइम पे बाय हुआ था, बट उससे पहले हमारे पास बाइंग जो वैल्यू थी वो करीब करीब 1075 पे आया और 1375 गया, करीब करीब 30% के आसपास मार्केट में मूवमेंट रही। तो ये देखिए 28% 30%, ओके। सो दीज आर द एनालिसिस और कंप्लीटली मैथमेटिक बेस्ड एक फॉर्मूला है जिसको हम ऑप्शन में ट्राई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम वीडियो बनाते रहेंगे और अभी यूएसडी आईएनआर को भी साथ में रखेंगे, आई मीन टू से करेंसीज को भी, एनएससी ऑप्शंस को ऑलरेडी बहुत टॉपिक पे हमने क्लियर टॉपिक क्लियर किया है, अब गोल्ड सिल्वर क्रूड और यूएसडी आईएनआर पे ही बात करेंगे। इंटरनेशनल में बिटकॉइन का जो भी ऑप्शंस रहेंगे, बिटकॉइन का ऑप्शंस है, इथेरियम है, चाहे बीएनबी है, तो उनके जिनका भी ऑप्शंस अवेलेबल है क्रिप्टो में, हम उन सभी ऑप्शंस पे भी वर्कआउट करेंगे जितना जल्दी हो सके। एक्चुअली कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ठीक से नहीं लग रहा मुझे कि जो उसका एग्जैक्ट प्राइस वैल्यूज और चीजों को बता पाए, जैसे ही कोई मिलता है तो हम उस पर एक बार देख पाएंगे और वी विल मीट यू सून अगेन, राइट, मीट यू सून। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दिस नवीन शर्मा।